फेसबुक और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और ट्विटर पर नफरत फैलाने का आरोप लगाकर कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी यूनिलीवर ने फेसबुक पर विज्ञापन न देने की घोषणा कर दी है। यूनिलीवर की इस घोषणा के बाद कोका कोला और अमेरिकन होंडा जैसी कंपनियों ने भी फेसबुक को देने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। यूनिलीवर सहित विज्ञापन रोकने वाली कंपनियों ने फिलहाल ये आरोप अमेरिका में चुनाव प्रचार के दौरान फेसबुक पर नफरत भरे विभाजनकारी भाषण और कंटेंट के विरोध में उठाया है। यूनिलीवर सहित अन्य कंपनियों द्वारा विज्ञापन न देने की घोषणा के बाद ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक फेसबुक के शेयर में 8.3% की गिरावट आई है। इस गिरावट से जहां फेसबुक के मार्केट वैल्यू 4,23,000 करोड़ कम हो गई है, वहीं फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को 7.2 करोड़ अमरीकी डॉलर यानी कि लगभग 53,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इस समय भारत में भी सोशल मीडिया पर नफरत का दौर चल रहा है, क्या इस नफरत का जवाब भी भारतीय कंपनियां सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कुछ इसी तरह से देंगी?